हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको ज़ेरोक्स की 7855 सीरीज़ की मशीन का बेस्ट पाइप जो होता है, अगर वो जाम हो जाए तो उसे कैसे हमें साफ़ करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाएँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमें बेस्ट पाइप जो जाम हो जाता है उसे साफ़ करने के लिए पहले हमें फ्रंट डोर ओपन करना पड़ेगा। फ्रंट डोर ओपन करने के बाद हमें इस कवर को भी रिमूव करना पड़ेगा और इसमें जो फ्रंट डोर का जो कवर है इसको भी रिमूव करना पड़ेगा। ये पूरा इसमें कुछ नट्स लगे होते हैं, एक नट यहाँ होता है और एक नट यहाँ होता है, और बाकी के नट्स मैं आपको दिखाता हूँ। एक नट इसके अंदर है, बाकी का एक नट ये है, एक नट ये है, एक नट ये है, और हमें ये भी दो नट खोलने पड़ेंगे। इस कवर को भी हमें बाहर निकालना पड़ेगा और एक नट इसके अंदर ये लगा है। तो इसको खोलने के लिए पहले दोस्तों हमें इसके जो भी कार्टेज हैं वो हमें बाहर निकालना पड़ेंगी, ये चारों कार्टेज और ये चारों ड्रम। तो हम इनको बाहर निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको आके बताता हूँ। जैसे कि ये हमें चारों ड्रम हैं, बाहर निकाल के कहीं सेफ जगह पर रख देना है, और ऐसे ही हमें ये टोनर बोतल को भी बाहर निकाल लेना है। तो दोस्तों, मैंने इसकी कार्टेज निकाल ली हैं और ड्रम भी निकाल लिए हैं। कार्टेज मैंने निकाल के यहाँ पर रखे हैं ऊपर, आप देख पा रहे हो, और ड्रम मैंने अपने फोटोकॉपी मशीन की ट्रे में रख दिए हैं, और मैं इसको बंद कर दूँगा जिससे कि इन पे कोई स्क्रैच वगैरह ना आ जाए। उसके बाद हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए पहले हम इस कवर के ये दो नट हैं उनको खोल लेते हैं, उसके बाद ही हम इस कवर को ओपन करने के लिए प्रोसेस कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैंने ये दोनों नट निकाल लिए हैं। अब इसको निकालने के बाद आप इसको ज़रा से नीचे प्रेस करोगे तो ये हमारे हाथ में आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये देखो, ये बाहर आ गया। इसको हम यहाँ साइड में रख देते हैं। उसके बाद हमें ये बेल्ट से लगा हुआ लीवर है, इसको भी रिमूव करना होगा। तो इसका नट मैंने निकाल लिया है, इसको भी सिंपली हम बाहर निकाल के साइड में रख देंगे। उसके बाद हमें इस कवर को ओपन करने के लिए ये नट भी निकालने पड़ेंगे, और इन सबसे पहले हमें एक ये वाला स्क्रू भी ओपन करना पड़ेगा जिससे कि ये कवर हमारा बाहर आ जाए। इन नट को भी हमें साइड से रख लेना है क्योंकि बाद में हमें इनको फिट करना पड़ेगा। इसको, इस स्क्रू को निकालने के बाद आप इस कवर को साइड में रख दीजिए निकाल के। इस कवर को आप निकालोगे तो इसमें एक साइड में यहाँ पत्ती लगी होती है, यहाँ पे ये वाली, ये भी अपने आप ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगी। इसको भी हम यहाँ साइड में रख देते हैं। उसके बाद हमको यहाँ इस फ्रंट कवर के ये नट्स हैं, जो दो नट मैंने खोल लिए ऑलरेडी, एक ये वाला, एक ये वाला, बाकी और ये नट्स हैं वो हमें यहाँ से ओपन कर लेना है। पांच छह नट होते हैं इसमें, एक दो तीन, और तीन वहाँ हैं, चार पाँच। तो दोस्तों, हमने ये नट ओपन कर लिए हैं। ये नट को ओपन करने के बाद ये हमें बेस्ट टैंक है,
और ये क्लीनिंग असेंबली है, इसको भी बाहर निकालना पड़ेगा। इसको आप सिंपली थोड़ा सा बाहर खींचोगे तो ये बाहर आ जाएगा। इसको भी खींच के हमें यहाँ साइड में रख देना है। और ये क्लीनिंग असेंबली है, इसे भी हमें बाहर निकाल के साइड में रख देना है। इसके बाद आप कवर को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे। कवर को बाहर निकालने से पहले हमें ये साइड डोर ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा सा लॉक होता है, तो हम इसको साइड डोर को ओपन करेंगे। उसके बाद ये कवर धीरे से हम बाहर निकालेंगे। अगर दोस्तों ये कवर निकलने में प्रॉब्लम करे, क्योंकि यहाँ ये ट्रे से भी लॉक होता है यहाँ, तो आप चाहें तो इस नट को खोल के इस ट्रे को भी बाहर निकाल सकते हैं। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये सिर्फ़ एक ही नट होता है जो इस ट्रे में लगा होता है। आप इसको हल्का सा मूव करोगे तो ये बाहर आ जाएगी। ये ट्रे हमने यहाँ साइड में रख दी। उसके बाद ये जो साइड डोर फ्रंट डोर है वो भी हमारा ऑटोमेटिक बाहर आ गया है, क्योंकि ये इसी से लॉक था। तो आप देख पा रहे हो। अब इसके बाद हमें ये इस पत्ती को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस पत्ती को बाहर निकालने के बाद ही हम यहाँ नीचे काम कर पाएंगे। इस पत्ती को भी बाहर निकालने के लिए हमें कुछ स्क्रू हैं उनको खोलना पड़ेगा, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 स्क्रू को हमें ओपन करना पड़ेगा। तो मैं चलिए ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप ये 6 स्क्रू को रिमूव कर लोगे तो इसको हल्का सा आप बाहर निकालोगे तो ये पत्ती भी हमारे हाथ में आ जाएगी। ये बाहर निकाल के हमें इसको भी साइड में रख देना है। उसके बाद आप इन लॉक्स को देख पा रहे हो, हमें पहले इनको नीचे की ओर करके हमें ये लॉक्स हैं इनको अंदर करके लॉक कर देना है। ये चारों मैंने लॉक कर दिए हैं। उसके बाद इसे भी हमें लॉक कर देना है। तो दोस्तों ये लॉक करने के बाद ये सभी हमने लॉक कर लिए हैं। अब इनको लॉक करने के बाद हमें सिंपली इस पहले इस फैन को बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमारी जो बेस्ट पाइप असेंबली है ये वाली, तभी बाहर आएगी। तो इस फैन को बाहर निकालने के लिए एक स्क्रू होता है इसके अंदर यहाँ पर, जो मैंने ओपन कर रखा है। सिंपली आप यहाँ देख पाओगे इसके अंदर यहाँ एक स्क्रू होता है जो मैंने ओपन कर लिया है। और ये जो वायर दिख रहे हैं आपको खुले हुए, एक ये ब्लैक वाला और एक ये वाला जो वायर है वो यहाँ लगता है इसमें, इस फैन में। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जो वायर है वो यहाँ कनेक्ट होगा इस जगह, और ये जो ब्लैक दिख रहा है आपको, ये वाला ये यहाँ कनेक्ट होगा इस पीसीबी बोर्ड में। तो मैं आपको ये फैन बाहर निकाल के दिखाता हूँ। उसके बाद हमें ये पीसीबी बोर्ड बाहर निकालना पड़ेगा। इन दोनों को निकालने के बाद हमारी ये बेस्ट पाइप असेंबली बाहर आएगी। मैंने सिंपली पहले अपने इस फैन को बाहर निकाल लिया है। ये हमारा फैन बाहर आ गया। फैन के बाद हमें ये पीसीबी बाहर निकालना पड़ेगा, ये वाली पीसीबी। इनको बाहर निकालने के लिए पहले हमें ये कनेक्टर हैं इनको रिमूव करना पड़ेगा। इनको रिमूव करते समय आप ध्यान रखना कि ये कनेक्टर इधर के उधर कनेक्ट नहीं होने चाहिए। वैसे कि पीसीबी बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कि ये जो ब्लैक है काला कलर, उसका पीसीबी
उसका कनेक्टर है, ये सियान का है और ये वाला मेजेंटा का है, आप इस पर देख पा रहे हो एम छपा हुआ है, और ये येलो का है। बाकी ये जो सर्किट है ये इसमें पावर सप्लाई करता है पीसीबी में। तो ये वाला हमने आपको बताया कि ये एक ब्लैक कलर का यहाँ कनेक्ट होगा। तो पहले हम इस पीसीबी को बाहर निकालते हैं। पीसीबी को बाहर निकालने के लिए आप जस्ट पीसीबी के नीचे देखोगे तो एक नट ये लगा हुआ है और एक नट यहाँ लगा हुआ है, ये है। तो हमें ये दो नट खोलने पड़ेंगे। तो चलिए हम इन दोनों नट को खोल लेते हैं। ये हमने दोनों नट इसके खोल लिए हैं। नट खोलने के बाद आपको ये कनेक्टर है ये रिमूव कर लेना है। ये कनेक्टर रिमूव करने के बाद आपकी ये पीसीबी है वो बाहर आ जाएगी। इसको अभी हम साइड में रख देते हैं। अब इसको करने के बाद आपको इस बेस्ट पाइप असेंबली को बाहर निकालने के लिए इसमें कुछ नट लगे होते हैं, वो बाहर उनको खोलना पड़ेगा नटों को। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने नट पहले ही खोल लिए थे। जैसे कि एक नट है वो यहाँ लगेगा इस जगह पर और दो नट यहाँ होते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, एक नट हमारा यहाँ होता है इस जगह और दूसरा नट है वो यहाँ कनेक्ट होता है इस जगह। तो मैंने ये नट खोल रखे हैं। तो सिंपली अब हमें कुछ नहीं करना, इसको हल्के से धीरे से बाहर लेकर आना है। आपको ध्यान रखना कि बाहर खींचते समय इसके जो भी वायर हैं वो कट ना जाएं या टूटे ना, वरना आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों ये पाइप असेंबली हमारी बाहर आ चुकी है। देखो इस पाइप असेंबली में हमें क्या करना है, इसमें जो भी टोनर है जो जाम हो गया है उसे हमें बाहर निकालना है। तो आप सिंपली इसको ब्लोअर से भी साफ़ कर सकते हैं और इसको धीरे से आप उल्टा करके इसमें जो टोनर जो इसमें जाम हो गया है इसको बाहर निकाल सकते हैं। बाकी इसमें यहाँ एक गियर होता है, यहाँ पे आप देख पाओगे, इसको आप हल्के हाथों से ऐसे घुमाओगे तो इनमें जो भी बेस्ट टोनर होगा, देखो ये अंदर घूम रहा है, इनमें जो भी बेस्ट टोनर होगा आप इनको ऐसे उल्टा करके इसको घुमाओगे तो बेस्ट टोनर इसमें से बाहर आ जाएगा। ऐसे इसको उल्टा करके बाहर घुमाओगे तो इसमें से बेस्ट टोनर बाहर आ जाएगा। इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद हमें इसको वापस से रीइंस्टॉल करना है मशीन के अंदर। तो रीइंस्टॉल करते समय आप ध्यान रखिएगा कि ये जो वायर हैं उनको आप ऊपर की तरफ ही रखिएगा और ये जो वायर है इसका भी ध्यान रखना, ये नीचे से ही आएगा और वायर कटे नहीं कहीं से ना ही टूटे, तो इनका विशेष ध्यान रखना। तो ये जो कनेक्टर हैं इनको हमें ऊपर कर लेना है। अब जैसे कि हमने ये क्लीन कर ली है तो मैं आपको इसको रीइंस्टॉल करके दिखाता हूँ। ये वाला जो वायर है वो नीचे ही रहेगा, हमारी बेस्ट पाइप असेंबली के नीचे से ही ये वायर आता है। तो हमें सिंपली इसको अच्छे से फिट करना है। आप देख पाओगे ये हमारी आसानी से यहाँ फिट हो गई है। हमें जो कनेक्टर हैं वो उनको अच्छे से बाहर निकाल लेना है। जैसे कि ये कनेक्टर जो आप देख रहे हो ये अंदर घुस गया है, तो इसको हमें बाहर निकालना है। ये हमारा कनेक्टर भी बाहर आ गया। टोटल चार कनेक्टर होते हैं, ब्लैक, मेजेंटा, येलो एंड सैंड का। तो ये चार कनेक्टर हमारे बाहर हैं। उसके बाद हमें इस बेस्ट पाइप असेंबली के नट को वहीं की वहीं लगा देना है।
तो चलिए मैं इसके नट लगा लेता हूँ। तो दोस्तों नट लगाने के बाद आप देख पाओगे कि जो हमारी वेस्ट पाइप असेंबली है वो अच्छे से इसमें फिट हो चुकी है और बाकी कहीं भी मूव नहीं कर रही है। इसके बाद हमें इसमें पीसीबी बोर्ड को इंस्टॉल करना होगा, जो कि अभी हमने साइड में रखा था, मैं आपको दिखाता हूँ। यह है हमारा पीसीबी बोर्ड, तो हमें इसमें पीसीबी बोर्ड को फिट करना है। पीसीबी बोर्ड को फिट करने से पहले ध्यान रखना कि ये उल्टा ना हो, जैसे कि ये इस तरीके से लगेगा। जो हमारा आपको जो सॉकेट में के दिख रहा है वो लेफ्ट साइड रहेगा यहाँ ऐसे, तो हमें इसको सिंपली इसमें फिट कर देना है। फिट करने के लिए आप इसमें ये दो होल देख रहे हैं दोस्तों, एक होल हमारा यहाँ इस सर्कल में जाके फिट होगा इस वाले में, और दूसरा होल में हम नट लगाएंगे। ऐसे ही ये यहाँ होगा, एक होल यहाँ इसमें फिट होगा, बाकी दूसरे में नट लगेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये वाला जो वायर है वो नीचे ही रहेगा, इसको फिर हम बाद में इसको फिट करेंगे अपने पीसीबी बोर्ड में और फैन में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारा ये होल मैच हो चुके हैं, और इसी तरीके से हमारे यहाँ पे भी होल मैच हो गए हैं। तो मैं चलिए इनमें नट लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने ये नट यहाँ फिट कर लिए हैं, एक नट ये है और दूसरा नट इसका यहाँ है। इन सबको करने के बाद हमें सिंपली ये कनेक्टर है वो पीसी बोर्ड में कनेक्ट करने हैं। तो ये हमारा पहला कनेक्टर है और ये है हमारा दूसरा कनेक्टर। वैसे भी ये कनेक्टर यहाँ के वहाँ नहीं लगेंगे क्योंकि इनका वायर भी उतना ही होता है, फिर भी आप ध्यान रखना कि ये जो कनेक्टर है आप इसकी पाइप असेंबली से देख पाओगे, तो ये वाला कनेक्टर यहाँ कनेक्ट है और ये पाइप असेंबली हमारी ब्लैक की है, और ऐसे ही ये वाला कनेक्टर जो है वो यहाँ कनेक्ट है, और इसमें कलर भी आपको सियान दिख रहा है, तो यहाँ आप देखोगे सी बना हुआ है, सियान का ही है। ऐसे ये मेजेंटा का है और ये येलो का है, ये येलो का यहाँ से जाएगा तो यहाँ येलो में कनेक्ट है। तो ये आप ध्यान रखोगे तो इजीली ये गलत भी फिट नहीं होंगे। तो ये हमने चारों कनेक्टर इसके लगा लिए हैं। चारों कनेक्टर लगाने के बाद हमें ये वाला जो ब्लैक कनेक्टर है वो हमारे पीसीबी बोर्ड में कनेक्ट करना है। आप सिंपली इसको ऐसे लगाओगे और हल्का सा ऊपर की तरफ प्रेस करोगे तो ये इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद ये वाला जो कनेक्टर है वो हमारा यहाँ फैन में कनेक्ट होगा, इस वाले सॉकेट में, वाइट वाले सॉकेट में। तो पहले मैं इसको फ़ैन को फिट कर लेता हूँ अपनी मशीन में, फिर उसके बाद ये कनेक्टर आपको लगा के दिखाऊंगा। और ये जो लॉक है ये वाला वाइट लॉक वो यहाँ इस होल में लगा हुआ था, तो मैंने नोच प्लास की हेल्प से इसको बाहर निकाल लिया है। तो मैं इसको भी आपको लगा के दिखा देता हूँ अभी, क्योंकि ये इंस्टॉल होने के बाद ये लॉक लगेगा नहीं। इस लॉक को लगाने के लिए दोस्तों सिंपली आपको इस लॉक को इसके ऊपर रखना है और हल्के से प्रेस कर देना है, तो ये ऑटोमेटिक ही अंदर चला जाएगा। देखो ये यहाँ बाहर आ गया है और ये यहाँ से लॉक हो गया है। लॉक होने के बाद ये यहाँ इन खांचों में से यहाँ आएगा और सिंपली यहाँ हमें इसको लगा देना है। ये वाला कनेक्टर हमें यहाँ फिट कर देना है, तो मैं फिट कर लेता हूँ। तो मैंने ये कनेक्टर यहाँ पे फिट कर दिया है अपना फ़ैन में। अब सिंपली हमें अपने फ़ैन को यहाँ इंस्टॉल करना है, तो आप फ़ैन को इंस्टॉल करने के लिए इसको हल्के से नीचे की ओर प्रेस करोगे तो ये यहाँ अंदर चला जाएगा, और अंदर जाने के बाद आप देख पाओगे ये नट की जगह पर अपने आप पहुँच जाएगा। जैसे कि मैं आपको पेचकस से दिखाता हूँ, ये जो होल दिख रहा है यहीं हमारा नट लगेगा, तो हल्का सा आप पीछे करोगे तो ये नट की जगह पे पहुंच जाएगा। मैं इसमें नट फिट करके आपको दिखा देता हूँ। ये हमने नट ले लिया है,
ये है इसका एग्जिट होल, तो इसमें हमें नट को फिट करना है। ये इसमें फिट हो चुका है, आप देखिए ये इसमें अच्छे से फिट हो गया है। और इसको हमें हल्के से थोड़ा सा टाइट कर देना है, ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है। बाकी नट को भी हमें चेक करना है हमारी पाइप असेंबली के कि अच्छे से लग गए हैं। इन सबको चेक करने के बाद ये कनेक्टर भी हमें चेक करना है अच्छे से लगे हैं या नहीं। अगर कहीं से भी कोई कनेक्टर लूज़ है तो उन्हें हमें अच्छे से कनेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद हम इसको सिंपली अपना मशीन को पैक करते हैं। पैक करने के लिए वही बेसिक प्रोसेस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमें नीचे कर लेना है। नीचे करने के बाद अब हम इसमें अपनी ये पत्ती को फिट करेंगे। तो दोस्तों ये पत्ती हमें यहाँ फिट करनी है, तो पत्ती हमने ले ली है, ये है हमारी पत्ती। अब पत्ती को जैसे यहाँ रखोगे तो ये होल में ये ऑटोमेटिक ही फिट हो जाएंगे। फिट होने के बाद हमने जो भी इसके स्क्रू थे वो हमने रिमूव किए थे, वो हमें दोबारा इसमें लगाने पड़ेंगे। तो मैं इनके स्क्रू आपको लगा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 6 स्क्रू हमें इसमें लगाना पड़ेंगे, तो मैं इसके स्क्रू लगा लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये सारे नट हैं इनको इसमें फिट कर दिया है। उसके बाद सिंपली हमें अपने ये ट्रे भी लगा लेनी है और इस पर फ्रंट डोर भी कसना है हमें। तो मैं पहले फ्रंट डोर को लगा लेता हूँ इस पर। दोस्तों फ्रंट कवर लगाने से पहले हमें इसका जो आउटपुट ट्रे है वो हमें लगाना पड़ेगा। तो इसका आउटपुट ट्रे हम उठा लेते हैं। तो ये आउटपुट हमारा फिट हो गया है इसमें। अब हमें इसमें, अब हमने जो इसमें से नट खोला था वो हमें इसमें यहाँ लगा देना है इस जगह। तो चलिए मैं इसमें नट लगा देता हूँ। ये ट्रे लगाने के बाद हमें अपना फ्रंट डोर इसमें ऐड करना है। फ्रंट डोर को इसमें फिट करने के बाद हमें सिंपली इसके जो नट हैं जो हमने यहाँ से खोले थे वो हमें इसमें फिट कर देना है। तो मैं चलिए इनके नट लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों हमें इस डोर को फिट करने से पहले हमने जो लॉक लगाए थे यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाले जो लॉक, वो हमें लॉक खोलना पड़ेंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हमारी ट्रे इसमें सही से फिट नहीं हो रही है। हम इसके लॉक जो है खोलना भूल गए हैं। मैं आपको लॉक द्वारा से इसके खोल लेता हूँ। हमने जो ये इसके लॉक लगाए थे ये वाले, वो हमें सिंपली खोल लेने हैं। इसको यहाँ से रिमूव करना है लॉकों को। ये हमारे सारे लॉक खुल चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें अपना ये डोर इसमें फिट करना है। तो दोस्तों मैंने ये फ्रंट डोर इसमें फिट करके इसके जो सारे नट हैं वो मैंने इसमें लगा लिए हैं। अब इसके बाद हमें इसमें ये वाला कवर लगाना है
और उसके बाद सिंपली हमें इसमें कार्टेज और ड्रम और क्लीनिंग असेंबली और बेस्ट काउंटर इसमें इंस्टॉल कर देना है, हमारी मशीन रेडी हो जाएगी। अब मैं आपको ये कवर लगा के बता देता हूँ। कवर लगा देने के बाद हमें इसमें भी नट को फिट कर देना है। मैंने इसमें सिंपली नट को फिट कर दिया है। उसके बाद हमें ये वाला लीवर लगाना होगा जो बेल्ट से आके कनेक्ट होता है, तो मैं इसको भी लगा लेता हूँ। इसका लीवर भी मैंने इसमें इंस्टॉल कर दिया है। अब सिंपली हमें इसमें हमारी ड्रम कार्टेजेस इंस्टॉल करनी है, टोनर कार्टेज इंस्टॉल करनी है, और इसमें हमारी ड्रम यूनिट भी हमें इसमें इंस्टॉल करनी है, और हमें इसमें क्लीनिंग असेंबली और अपना बेस्ट का टैंक भी इसमें लगा देना है। इनके बाद हम इसमें ड्रम यूनिट और कार्टेज भी लगा देते हैं। हमने इसमें अपनी ड्रम यूनिट और टोनर यूनिट दोनों इंस्टॉल कर दी हैं। उसके बाद हम इसका कवर लगा के इसको लॉक कर देंगे और फ्रंट डोर को भी क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। उसके बाद हमें ये वाला कवर भी इसमें लगा देना है और साइड कवर भी होता है जो लगा देना है। बाकी हमारी मशीन रेडी हो गई। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट शेयर भी करना, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू, धन्यवाद।